बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। शुरू करते हैं जी आज के व्लॉग को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आई हूँ। और सबसे पहले दिखाती हूँ कि यहाँ का सफाई का निज़ाम। सुबह सुबह देखें गलियाँ जो होती हैं स्ट्रीट सारी साफ़ सुथरी कर दी जाती हैं, धोई जाती हैं, प्रॉपर ब्रशिंग होती है, तभी तो इतनी साफ़ सुथरी ये लग रही होती हैं। आज ही मैं आई थी मेकादोना। मेकादोना की कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरी टिकटॉक फैमिली ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए मैं व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को के साथ भी शेयर करती चलूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आएगी बहुत ज़्यादा पसंद और आप इन्जॉय भी करेंगे सारी प्रोडक्ट्स को। जी मेकादोना में ये जो हमारे पास जेल, शैम्पू और लोशन है अवेलेबल, ये हैं जी इन्फेंट के लिए, या आप जो एक साल के बच्चे जो न्यू मदर्स यहाँ पे हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि वो यहाँ पे जाके इसे परचेज़ कर सकती हैं। शैम्पू आपके स्किन बच्चों के हेयर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, और लोशन जो ब्लू कलर का है वो बहुत हाइड्रेटिंग है, आपके बच्चे की स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और सॉफ्टन सी स्किन रहेगी। साथ ही जो ये शैम्पू है ये भी बहुत जेंटली आपके बेबी के हेयर्स को क्लीन कर देगा और आपके बेबी को जो है वो टीयर्स आइज़ में नहीं आएंगे। तो जो न्यूली मम्मीज़ हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, और उम्मीद करती हूँ उन्हें आ जाएगी बहुत ज़्यादा पसंद। और अगर उन्होंने ये परचेज़ करनी है तो मेकादोना पे बहुत रीज़नेबल अमाउंट में है अवेलेबल। साथ ही जी ये आगवा द प्लांचार यानी कि इस्त्री के अंदर ये यूज़ होता है पानी, जो इस्त्री होती है ना पानी वाली इस्त्री, उसके अंदर जो सारा इकट्ठा पानी की वजह से जो वाइट वाइट सी हो जाती है ना, उसके लिए ये यूज़ होगा। तो आप इसे डालेंगे, आप यूज़ करेंगे तो आपकी इस्त्री अंदर से ख़राब नहीं होगी और आपके कपड़ों पर भी कोई स्टेन नहीं लगेगा। साथ ही ये स्प्रे है जी, इससे अगर आप ये स्प्रे आप यूज़ करेंगे अपने कपड़ों को इस्त्री करते हुए तो आपके जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी इजी इस्त्री हो जाएंगे। ये है जी पाइपलाइन जो होते हैं हमारे सिंक के, हमारे बाथरूम के, और बाथरूम का जो टब होता है उसका जो पाइप होता है वो अक्सर हो जाता है ब्लॉक, तो उसको खोलने के लिए ये वाले मेकादोना पे हैं अवेलेबल लिक्विड। आप इसे यूज़ करेंगे, आप इसे डाल दें, अगर रात में डालें तो वेल एंड गुड है, अगर उससे पहले आप दिन में भी इसे जिस टाइम भी डालेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट नज़र आएगा और आपका जो पानी है वो जो पाइप है वो ब्लॉक जो हुआ होता है वो खुल जाएगा और पानी का फ्लो बहुत अच्छे से बहने लग जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी आज शेयर करूंगी। ये है जी स्प्रे, ये यूज़ होता है वाइट कलर की फॉर्म में होता है, इसे पहले अच्छे से आप हिला लें और उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे। तो ये जो है वो यूज़ होता है माइक्रोवेव को सॉफ करने के लिए और ओवन को साफ़ करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा आप इससे अपने तवे की पिछली साइड पर जो ब्लैक की स्किन हुई होती है, ब्लैक ब्लैक हुआ था, उसे साफ़ कर सकते हैं। अपने नॉन स्टिक के बर्तनों की जो बैक साइड होती है उसे बहुत अच्छा से साफ़ कर सकते हैं। ये है जो स्प्रे, एक तो स्प्रे जो है येलो वाला वो जो लकड़ी के फ्लोर्स होते हैं उसके लिए शाइन करने के लिए उसके लिए होता है यूज़, और जो साथ है वो आप लोगों को साफ ही पता चल रहा है कि फर्नीचर के लिए है, आप अपने फर्नीचर को इससे बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ करेंगे आपका फर्नीचर जो है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगा और उस पर कोई स्टेन वगैरह नज़र नहीं आएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जी ये मुझसे रिक्वेस्ट की थी किसी ने, तो मैंने उनके लिए बनाई है ये ट्रीटमेंट। येलो कलर की जो ट्यूब है ये बहुत अच्छी कम प्राइस में है, ये जो स्किन जॉगर पहनने की वजह से नीचे से हो जाती है ख़राब उतरती है वाइट वाइट सी स्किन आपके पाँव से, आप इसे रात में यूज़ करेंगे पाँव को धोकर इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल ठीक ठाक। आप अगर अपने स्किन पे यूज़ करते हैं ये वाला साबुन तो ये स्किन को कर देगा ग्लोई ग्लोई। साथ ही विटामिन सी की जो क्रीम है इसको आप दिन में यूज़ करें तो आपकी स्किन भी करेगी ग्लो, नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे आएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी, आपको प्यार हो जाएगा अपने आप से। साथ ही जी ये जो है प्रोडक्ट ये है हमारे पास हॉट वैक्स, और ये बहुत अच्छी है, इसके साथ ये कप में अवेलेबल होती है और इसके लिए स्ट्रिप्स वगैरह तो हॉट वैक्स में यूज़ होती ही नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है।
साथ ही इन कैप्सूल के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस कैप्सूल पे दो हैं साइन, यानी कि एक सूरज बना हुआ है और एक है चांद। सूरज चांद का मतलब है कि ये दिन और रात दोनों में हो सकते हैं इस्तेमाल। जिस पर सिर्फ एक साइन हो या चांद बना हो तो उसका मतलब है वो रात के हैं, और जो सूरज बना हो तो उसका मतलब है वो दिन के हैं। लेकिन ये डुअल हैं, आप इनको दिन और रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेक्स कैप्सूल हैं, आप हाफ कैप्सूल दिन में यूज़ करें और हाफ कैप्सूल रात में यूज़ करें। यूज़ करने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैं अगेन शेयर कर देती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी स्किन को धो लें, इसे एक हाथ से पहले शेक करें, दूसरे हाथ से इसे ब्रेक कर लें, अपनी हथेली पर डालिए और सर्कुलर मोशन में अपने स्किन पर आपने इसको लगाना है। लेकिन इसको जज्ब नहीं करना, बस टैप टैप सर्कुलर मोशन में आप करेंगे तो आपकी स्किन में खुद ही हो जाएगी जज्ब। जब ये हो जाए जज्ब, तो उसके बाद आप अपनी स्किन पर कोई भी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है जी हमारा हेयर सीरम, आप इसे यूज़ करें तो आपके फ्रिजी हेयर बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे स्किन, और आपके जो हेयर्स के हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। सीरम यूज़ करने का तरीका सबको ही पता है, अगर नहीं है किसी को पता तो मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ शेयर। सीरम को अपने बालों को पहले टॉवल से ड्राई कर लें, और जब वो पानी चिपकना बंद हो जाए बालों में से, तो उसके बाद आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी आपकी लेंथ है बालों की आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जी ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप इसे यूज़ करेंगे अपने फेस पर तो आपकी स्किन हो जाएगी ग्लोई ग्लोई सी, और आपका मेकअप बहुत अच्छे से हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको पसीना नहीं आएगा। तो गर्मियों के लिए ये बहुत बेस्ट है, जाए मेरे का दोनों से और परचेज कर लें। इसी के साथ जी मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हो गया, एंड उम्मीद करती हूँ आपको आएगा पसंद। अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फौरन से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफिज़।